जालौन कोच लगातार जालौन में बढ़ रहे कोविड 19 मरीजों की हकीकत जानने के लिए मंडलायुक्त झांसी मंडल झांसी सुभाष चंद्र शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोच का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने वहां की साफ सफाई एवं स्वास्थ्य सेवाओं को देखा। स्वास्थ्य परीक्षण कराने आए मरीजों से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी की। तीन दिन से लगातार यहाँ पर थे। आज मैंने विशेष रूप से अभी तक दो कस्बे, बड़े बड़े कस्बे जालौन और कोंच को देखा है। दोनों जगह अस्पतालों को भी देखा है और कस्बे में प्रवेश किया है मैंने। आज क्योंकि संडे का दिन है, ज़्यादा पेशेंट नहीं है और लॉकडाउन का दिन भी है, बट जो व्यवस्थाएँ रोजाना हो रही हैं उसमें मैंने कोशिश की है कि इनको एंश्योर कराऊं कि एंटीजन टेस्ट लगातार होते रहें। जो हमारी सर्विलांस टीम गांव में शहरों में जाती है, पहचान करके आती है कि कौन सिम्टोमेटिक पर्सन्स हैं, वो सब आते हैं यहां पर और उनका टेस्ट होता है। आज भी आपने देखा है कि यहां पहुंच में पीपीई किट पहन करके कर्मचारी अपना टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि लोगों में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं आई है, वो आनी चाहिए। एक जगह बैठे हुए आप टेस्ट करने आए हो, आपके घर में आपका बेटा है, आपका पति है, वो पॉजिटिव आ चुका है, तो आपको स्वयं सतर्क रहना चाहिए ताकि आप दूसरे को ना फैला सकें। चार चार पाँच पाँच दिन से व्यक्ति बीमार रहता है तो इतना वेट ना करें। मेरी अपील है पूरे आपके जालौन वासियों से कि अगर बुखार है, गले में खराश है, छींके आ रही हैं, ये सारे सिम्टम भी हैं, और चार दिन पाँच दिन से आप अपने घर में हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये बीमारी को बढ़ा देगी। बीमार व्यक्ति खुद तो परेशान हो ही जाएगा, ज़्यादा अपने परिवार के लोगों को और अपने यार दोस्तों तक और पहुंचा देगा। इसमें सतर्कता की ज़रूरत है। पूरी मशीनरी हमारी लगी हुई है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, हमारे मजिस्ट्रेट हो, हमारी आशाएं हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ये सब लगे हैं। इनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। वो तीन दिन से मैंने जो देखा है उसे लगता ये है कि अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। जालौन में मैंने देखा कि होटल और चाट पकौड़े की दुकानें खुली हुई हैं, यहाँ तो मुझे देखने को नहीं मिला है अभी। यहाँ कुछ व्यवस्थाएं बेटर लगी जालौन के बजाय कोंच में, लेकिन वहाँ है, उनको बंद करवाया गया। आज लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पूरा पालन होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। जो खुलने वाली दुकानें हैं वो खुलें, दवा की दुकानें खुलेंगी, आपकी सब्जी वाली हैं, किराना की दुकानें हैं, आपके किसानों की खाद और बीज की दुकानें, दूध बेच सकते हैं आप लोग, लेकिन बाकी बिजनेस बंद रहना चाहिए। और बंद का मतलब पूरी तरह से बंद, ताकि ये चेन है ना, ये चेन ब्रेक होनी चाहिए। ये तभी हो सकती है जब हम लोग दो दिन तो अपने घरों में रहें, लेकिन फिर भी लोग तफरी लेने के लिए घूम रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। थैंक यू।